बड़े बाजार मम्मी के साथ और एक साड़ी भी लेनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हियर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, एंड ये ब्लॉग कल का ही है। सो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, अच्छा खासा उजाला हो गया है। और बस यहाँ पे सारा मेरा सुबह का काम हो गया था और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि रात भर से अच्छी खासी बारिश हुई है। मैं बोल रही थी ना कि ठंड थोड़ी कम हो गई है, तो चलिए बारिश हो गई अच्छी खासी है। पूरी छत गीली है, रोड भी पूरा गीला हो गया है। कल वाले ब्लॉग में मैं बोल रही थी ना कि ठंड एकदम से चली गई है, ऐसी ठंड वापस नहीं आई है, मगर जो बारिश हुई है उससे थोड़ी सी ठंड हुई है। अच्छा है, कम से कम सरस्वती पूजा तक तो रहती ही है हल्की हल्की ठंड। और ये देख रहे हैं आप, ये पता नहीं है, हर कुछ महीने में हो जाता है। देखिए, तो इसमें मैं गर्म करके बोरलिन लगा लेती हूँ और लगता है इसमें, मतलब दर्द करता है। अब किस वजह से होता है मुझे तो नहीं पता है, हर कुछ महीने के बाद हो जाता है। साल में कम से कम 4 बार तो हो ही जाता है, क्या वजह है इसकी मुझे नहीं पता। आपको पता होगा कि ये किस वजह से होता है तो मुझे बताइएगा, दिखाती हूँ आपको। लग रही है इसमें, जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत दिनों तक जैसे बुखार रहता है, फीवर रहता है, तब ये हो जाता है। बट ऐसा तो कुछ है नहीं, पता नहीं। क्लीनिंग वगैरह तो सब मैंने कर ली, गीजर ऑन कर दिया है, जाऊंगी नहाने। इतना नॉइज़ होता है ना मेरे घर के पास में, एकदम रोड पे है, दिखाया मैंने कई बार आपको, तो आप समझ लो कि मैं ये जो वॉइस ओवर भी करती हूँ, ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि रात में ही कर लूँ, 11:30, 12, 1 बजे, तब भी वो गाड़ियों का जो नॉइज़ है वो कम नहीं रहता है। मतलब रोड के पास घर होने का माइनस पॉइंट ये है, और प्लस पॉइंट भी अच्छा है कि सब सारी जैसे सुख सुविधाएं रहती है सवारी वगैरह। सो बारिश होने के कारण कल भी धूप बिल्कुल नहीं निकली थी और आज भी धूप एकदम नहीं निकली है। फिलहाल अभी बात कर रही हूँ तो थोड़ी देर पहले ही आंचल से मैंने वॉशिंग मशीन लगवाई है, बट ये है कि स्पिन हो जाते हैं तो चलिए सूख जाते हैं। और बस यहाँ थोड़ी देर रुक के मैं नहा ली थी और एस्ट्रो आया है वॉक से, तो थोड़ी देरी से ही उसको भी वॉक पे भेजा था। पूरा रोड वगैरह गीला है और क्या है ना कि बारिश के टाइम पे जैसे कि रोड गीला रहता है और जो पेट हैं उनको जैसे ले जाते हैं वॉक कराने के लिए, तो उनको उस टाइम पे टीक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। जैसे गीले वीले घास वगैरह रहता है वहीं से टीक चढ़ जाती है उनके बॉडी में। सो अचानक से सुबह प्लान बना कि बड़े बाज़ार जाना है और कुछ इम्पॉर्टेंट सामान खरीदना था। ये वाले व्लॉग में तो नहीं शो कर पाई हूँ कि क्या क्या ख़रीदा है। चलिए यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, जला रही हूँ मंदिर की लाइट, और मंदिर वगैरह रेडी करने में साफ़ सफाई में मुझे समय थोड़ा लग ही जाता है। जला दी है मंदिर की लाइट और सुबह का समय है, तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पूरा मंदिर मैंने रेडी किया है, उसके बाद में मैंने दीपक प्रज्वलित करके आरती की है, और उसके बाद मैंने आज ज़्यादा कुछ भी इसमें रेसिपीज़ वगैरह शेयर नहीं की है, क्योंकि हर दिन देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता है,
कभी घर के भी काम ज़्यादा रहते हैं, कभी बाहर भी जाना पड़ता है, तो फिर जिस दिन जैसे मार्केट वगैरह जाना है, बाहर जाना है, तो उस दिन हम लोग ऐसा सोच लेते हैं ना कि चलो घर में जो है थोड़ा बहुत बना के उसी में सबका खाना पीना हो जाएगा, तो शाम को देखी जाएगी क्या बनाना है। और जब बड़े बाज़ार गए हैं ना, तो आपको दिखाऊंगी सिर्फ 350 रुपये में पूरे सूट, बट विदाउट दुपट्टा, मगर 350 में भी इतनी अच्छी क्वालिटी कहाँ मिलती है। तो मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि क्या ही करूंगी लेके, अभी तो फ़िलहाल इतने सारे सूट है, फिर रखने की भी जगह नहीं रहती, अलमारी बहुत छोटी सी है, क्योंकि बाद में देखेंगे। खैर, हमारे बड़े बाज़ार में तो जो कलेक्शन मिलता है तो वो मुझे कोलकाता में और कहीं का पसंद नहीं आता है। सो यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न, और उसके बाद में फिर मैं नीचे गई हूँ कबूतरों के लिए रोटी वगैरह जो भी पानी वगैरह रखना है, पानी तो खैर मैं छत पे ही रख रही हूँ। सो रख के आई हूँ, एक तरफ मैंने दूध चढ़ाया है और उसके बाद मैं यहीं खड़े होके मैंने सनस्क्रीन लगाई है, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना भी था तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और चाय तो बनाई है, और उसके बाद में यहाँ हमारा नाश्ता हुआ था, जो बैटर बचा हुआ था डोसे का, तो बस वही प्लेन डोसा, क्योंकि मसाला तो ख़त्म हो गया था, मसाला बहुत ज़्यादा बनाया भी नहीं था मैंने, और दोनों टाइम फिर खाया सबने, तो वो मसाला हो गया ख़त्म। सो यहाँ बना ली थी चाय और प्लेन डोसा, और चटनी तो मैंने बढ़ा के ही बनाई थी, तो ये हो गया था हम लोगों का नाश्ता। और प्लेन डोसा भी ये वाले बैटर का इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, स्पेशली जो 2-4 बूंद हम घी डाल देते हैं उसमें, उससे बहुत अच्छा लगता है। तो बड़े बाज़ार से अच्छा कलेक्शन यहाँ हमारे लोकल मार्केट में तो खैर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप एक साड़ी लेने जाइए तो आपको कम से कम 10 साड़ियाँ पसंद आ जाएंगी, इतनी वैरायटीज़ होती हैं बड़े बाज़ार में, और क्वालिटी भी एक नंबर। तो वहाँ से मैंने 2 गणपति जी की मूर्ति खरीदी है अपने लिए, पर्सनली अपने लिए मैंने एक साड़ी खरीदी है, बड़ी सुंदर सी है, आने वाले व्लॉग में साड़ी आपको शो कर दूँगी। और मूर्ति मैंने कहाँ लगाई है ये कुछ दिनों में आपको वो भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ के लिए ख़रीदी है। सो यहाँ पे मैंने सभी के लिए ये 2-2 डोसा, चटनी और ये चाय, यही हमारा नाश्ता था। और ये जो बैटर मैंने आपको बताया बनाना, तो इसमें ना तो मैंने पोहा डाला ना चावल का आटा क्रिस्पी के लिए, खूब क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बने हैं बिना उनके। और सबको खिलाने के बाद में ये मेरा ही नाश्ता है, मैं सांभर थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ, और ये वाली चटनी भी बहुत पसंद है मुझे। उसके बाद में मैं नाश्ता करके फिर मैं बड़े बाज़ार के लिए निकल गई थी। सारा काम हो गया है घर का, निकल रही हूँ बड़े बाज़ार मम्मी के साथ, और उसके बाद में कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ मैं, बड़े बाज़ार ज़रा काम से जा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, और एक साड़ी भी लेनी है मुझे। तो निकल गई हूँ, और यहाँ से कम 3 ऑटो एक्सचेंज करने पड़ते हैं बड़े बाज़ार जाने के लिए, और फाइनली हम पहुँच गए बड़े बाज़ार। और ये जितने भी सूट आप देख रहे हैं ना, ये 350 रुपये के हैं विदाउट दुपट्टा, बट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस तरीके के कितने स्टॉल्स रहते हैं यहाँ पे, तो बड़े बाज़ार पहुँच जाइए तो साग सब्जी फल से लेके आपको एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा। और इस दुकान में हम रुक गए थे क्योंकि हमारी जो क्लेचर वगैरह बाल में लगाने की, वो सारी एस्ट्रो ने तोड़ दी हैं, वो उसके मुंह में आ जाती है तो पूरा तोड़ के ही मानता है वो, तो हमारे पास क्लेचर ही नहीं है लगाने के लिए। तो यहाँ से मैंने 5 से 6 क्लेचर वगैरह खरीदी अपने और आंचल के लिए, एंड देन फिर हम थोड़ा आगे बढ़े हैं मूर्ति लेने के लिए, और फिर उसके बाद हम गए हैं साड़ी लेने के लिए। और इतना हम गली घूमे हैं, यानी कि हमें घूमना था राइट और निकल गए सीधे, तो फिर घूम घूम के हम हो गए परेशान चलते चलते। सो आप ये गली देख सकते हैं, ये तिवारी ब्रदर्स जो है उससे पहले ही ये गली पड़ती है,
और मतलब आप समझ लो कि आप बड़े बाज़ार पहुंच जाओ तो आपको साग सब्जी से लेके फल फ्रूट से लेके एवरीथिंग सब कुछ मिलता है, कहीं और किसी अलग से बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये भी सब 350 रुपये करके सूट वगैरह थे, और फैंसी आइटम तो इतने अच्छे मिलते हैं कि अगर हम लोगों को किसी पार्टी या किसी चीज़ के लिए कपड़े ख़रीदने हैं या डेली बेसिस के लिए भी ख़रीदते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बड़ा बाज़ार ही आता है। सो यहाँ चलते चले गए, मूर्ति फ़िलहाल ले ली, थोड़ी कुछ नमकीन भी ली मैंने घर के लिए, मिल्क केक जो मिठाई होती है वो ली है, और देखिए पेठा हो गया, मीठा हो गया, मतलब सब कुछ मिलता है। ये हम कम से कम आधा घंटा गली में घूम ही रहे थे, मतलब हमको घूमना था राइट और घूम गए कहाँ पे सो घूम रहे थे। और अचार के बारे में आप लोग पूछते हैं ना, तो इसी तरीके से बड़े बाज़ार में मिलता है ईज़िली। फाइनली यहाँ से घूम फिर के तब हम कहीं जाके पहुँचे हैं साड़ी की दुकान में, बैठे हैं, तब उन भैया ने थोड़ा हम लोगों को एक एक ग्लास शरबत का पिलाया है और फिर वहाँ से साड़ी लेके हम निकले हैं। फिलहाल आप देख लीजिए मैंने यही साड़ी ली है, ये आपको कैमरा में कैसी समझ में आ रही है नहीं पता, इसका कपड़ा बहुत ही फैंसी है और बड़ी प्यारी साड़ी है ये, तो आपको सामने से भी मैं शो ज़रूर से कर दूंगी। तो ये वाली साड़ी मैंने ली है और पीला रंग ना मुझे बहुत जल्दी पसंद आ जाता है, अच्छा लगता है मुझे। यहाँ हम निकल गए थे साड़ी वगैरह लेके, उसके बाद में फिर ऑटो में बैठे हैं, आंचल ने कोई एक दो सामान बोला था वो भी मैंने ख़रीदा है, तब हम बैठे हैं ऑटो में। और बड़ा बाज़ार से ऑटो निकलने में ही आप समझ लो कि 25 से 30 मिनट लग जाता है क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। बस फाइनली यहाँ ऑटो में बैठे हैं, उसके बाद पहुँच गए हैं, 3 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं हमें, और उसके बाद पहुँची हूँ मैं घर। तो बस इस तरीके से सुबह से शाम हो गई थी। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ एक बात और है, वीडियो शेयर बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है क्योंकि देखिए आप लोग वॉच तो करते हैं, लाइक भी करते हैं, बट वीडियो शेयर बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है, वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर अच्छा लगता है आपको, तो आप आगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आपको पैकेट के ऊपर से ही शो कर रही हूँ कि यही मेरी साड़ी है, जाऊँगी अपनी लेडी टेलर के पास में ब्लाउज़ सिलवाने के लिए, उससे पहले आपको ज़रूर से पूरी साड़ी को मैं शो करूँगी।